हेलो एवरी वन वेलकम टू दिस कोर्स ऑन फाइनाइट एलिमेंट मेथड सो बेसिकली दिस इज द थर्ड मॉड्यूल शेप फंक्शन और दिस इज द नाइनटीन लेक्चर स्टेप्स इन एफ ई एम सो बेसिकली ये लेक्चर इंट्रोडक्शन uh, या फिर फर्स्ट मॉड्यूल में भी हो सकता था बट इसके अंदर हम पढ़ने वाले हैं अभी तक के सारे पॉइंट्स ठीक है तो आज अभी तक जो टोटल लेक्चर नंबर एटीन तक जो हमने डिस्कस किया उसी का एक कंक्लूजन है बेसिकली दिस स्टेप्स इन एफ ई एम ठीक है तो अगर ये पहले होता तो आपको इसके स्टेप्स पता नहीं होते समझने भी नहीं पाते पर अब हमने जब एटीन लेक्चर सब पढ़ लिए हैं तो अब हम इसको ईजीली समझ सकते हैं ओके सो दिस इज द लास्ट टॉपिक ऑफ दिस थर्ड मॉड्यूल ओके और नेक्स्ट लेक्चर में हम नया मॉड्यूल स्टार्ट करेंगे तो प्लीज़ कंटिन्यू uh, करिएगा और आपको अगर ये लेक्चर सीरीज पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ओके थैंक यू एवरी सो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे स्टेप्स इन एफ तो सबसे पहला स्टेप्स होता है डिस्क्रिटाइजेशन ऑफ कंटिन्यू बाई वेरियस फाइनल एलिमेंट तो बेसिकली जो रियल वर्ल्ड की प्रॉब्लम होती है ठीक है जैसे की यहाँ पे मैं बनाता हूँ रियल वर्ल्ड की यहाँ प्रॉब्लम पे, यहाँ पे है तो यहाँ पे कंटिन्यूस सिस्टम है इसका हर पॉइंट का कुछ न कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा बट एफ एम के अंदर हम क्या करते हैं इसको एक सिंगल एलिमेंट कंसिडर कर लेते हैं या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट में कंसिडर कर लेते हैं और हम सिर्फ इसके नोट जो है वन और टू सिर्फ यहीं पर हम इसके डिफॉर्मेशन को फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं ठीक कर है? है? है कोई भी एरोप्लेन है ठीक है मान लेते हैं ये ड्राइंग अभी बहुत खराब बनाई है मैंने ठीक है इसको रिमूव कर देता हूँ या कोई भी स्ट्रक्चर है सॉरी फॉर दैट कोई भी स्ट्रक्चर है ठीक है ब्रिज है कोई भी स्ट्रक्चर है तो उसको ब्रिज को भी हमें आ, अगर हमको एफ के थ्रू हमें पढ़ना होता है तो उस केस में हम क्या करते हैं उसके फाइनाइट एलिमेंट उसको छोटे छोटे टुकड़े कर देते हैं और उन्हीं को हम स्टडी करते हैं तो पहला हमारा जो प्रोसेस होता है वो डिस्कटाइजेशन करना होता है जैसे कि एग्जाम्पल दे रखा है यहाँ पे एक टेपर्ड बार है तो इसको हमको अगर एफ के थ्रू हमको एनालाइज करना है तो उसके लिए हम क्या करेंगे इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में जो कि सेम आ, क्रॉस सेक्शन एरिया के होंगे हम कंसिडर करेंगे ठीक है तो तो पहला ये टुकड़ा ले लिया तो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया कॉन्स्टेंट कर दिया थोड़ा सा बड़ा है दूसरा ये उससे थोड़ा छोटा हो गया तीसरा और छोटा हो गया इस तरीके से हमने इसको तीन एलिमेंट में कन्वर्ट कर दिया है जिनका कांस्टेंट क्रॉस सेक्शन एरिया क्योंकि एलिमेंट के बीच में हम अभी फिलहाल Uh, कोई भी वेरिएशन इसकी प्रॉपर्टीज में नहीं ला रहे हैं ओके okay, तो ये हमारा एफ मॉडल हो गया हमारा बेसिकली वन टू थ्री यहाँ तीनों एलिमेंट अलग अलग हैं इसकी के की वैल्यू जो होगी वो अलग अलग होगी जैसे कि हमने अभी तक पहले के मॉड्यूल में फाइंड आउट कर चुके हैं ओके सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप नाउ सेकेंड स्टेप क्या है सेकेंड स्टेप है कि एफ की वजह से हमें नोड वन वन टू थ्री और ये फोर ये चारों नोड पे डिग्री ऑफ फ्रीडम या फिर अननोन हमें फाइंड आउट हो जाएंगे ठीक है बट इनके बीच की वैल्यू को हमको किस तरीके से डिफाइन करना है या इस किस तरीके से प्रेजेंट करना है उसके लिए हम यूज करेंगे शेप फंक्शन तो सेकेंड हमारा मेथड क्या है या सेकेंड हमारी स्टेप क्या है सलेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट मॉडल या सेलेक्शन ऑफ शेप फंक्शन शेप फंक्शन आपको किस तरीके से आ, यहाँ पे हमको बताना है ठीक है कि इसको आपको उनको लीनियर रखना है इस एलिमेंट को, को क्वाड्रेटिक रखना है ये सारी चीजें होती है यहाँ पे ठीक है तो इसको समझने के लिए मैं थोड़ा सा आपको नेक्स्ट स्लाइड पे ले जाता हूँ कि मान लेते हैं कि ये हमारा एक सिंगल एलिमेंट है दिस इज द फर्स्ट सिंगल एलिमेंट वन और टू ठीक है और इसका जो रियल रिजल्ट था डिफॉर्मेशन का वो इस ब्लू कर्व से यहाँ पे शो कर रखा है ओके ये ब्लू कर्व से यहाँ पे शो कर रखा है ये रियल रिजल्ट है बट एफ के थ्रू हम अगर इसको लीनियर इंटरपोलेशन के थ्रू समझते हैं तो लीनियर इंटरपोलेशन के थ्रू अगर हम इसका रिजल्ट देखते तो ये एक स्ट्रेट लाइन इस तरीके से आती है तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये जो ये लाइन है ये बताती है एरर क्योंकि रियल में और जो सिमुलेशन रिजल्ट्स हैं या फिर ये न्यूमेरिकल मेथड का रिजल्ट है उसमें कितना डिफरेंस आ रहा है तो दिस इज द एरर पर इस एरर को कम करने के लिए हम क्या कर सकते हैं इसके लिए हमारे पास दो मेथड हैं ठीक है कौन कौन से ये दो मेथड है तो फर्स्ट मेथड है कि हम इस एलिमेंट को लीनियर शेप फंक्शन यूज ना करके हम क्वाड्रेटिक शेप फंक्शन यूज करें जैसे कि आप ये ब्राउन वाली लाइन देख सकते हैं यहाँ पे ओके okay, ये ब्राउन वाली जो लाइन है यहाँ पे उसे आप देख सकते हैं ये क्वाड्रेटिक इंटरपोलेशन शो कर रहा है तो इससे क्या हुआ कि ये जो एरर है यहाँ पे हमारी ये एरर है वो कम हो गई है ठीक है तो आप इसको वन uh, टू नहीं मान के एक बीच में आप चाहो तो तीसरा नोड भी एंटर कर लेते हैं जिससे आपके पास क्वाड्रेटिक शेप फंक्शन की का यहाँ पे हमारे पास ये बन जाता रिजल्ट आ, आ जाता और ये इसकी जो एरर होती वो कम हो जाती दूसरा मेथड और इस मेथड को हम पी रिफाइनमेंट भी कहते हैं ओके इस मेथड को पी रिफाइनमेंट भी कहते हैं और दूसरा मेथड जो है हमारे पास वो है बेसिकली एच रिफाइनमेंट का उसके अंदर हम क्या करते हैं एलिमेंट को नंबर ऑफ पीसेस में और डिवाइड कर लेते हैं मतलब यहाँ पे अपन के पास टोटल एक दो और तीन एलिमेंट हो गए ठीक है एक दो और तीन एलिमेंट हो गए तो उससे क्या हुआ उससे हमारे पास जो अगर हम लीनियर इंटरपोलेशन ही कर रहे हैं फिलहाल तब तो भी जो line, जो sorry, ये जो स्ट्रेट लाइन जो ग्रीन कलर की स्ट्रेट लाइन है सॉरी ये जो ग्रीन कलर की स्ट्रेट लाइन है आप इससे देख सकते हो कि इसको मैच करने पे ये जो एरर है जो जो गैप है दोनों का ब्लू और ग्रीन का वो बहुत ही कम हो गया तो ये नंबर ऑफ एलिमेंट बढ़ाने से जो हमारा एरर होगा इंटरपोलेशन की एरर यहाँ पे किस एरर की बात कर रहे हैं इंटरपोलेशन की एरर ये कम हो जाएगी ओके तो ये हमारे पास दो तरीके के शेप फंक्शन को रिफाइन करने के मेथड्स हैं पी रिफाइनमेंट एच रिफाइनमेंट जो कमर्शियल सॉफ्टवेयर्स वगैरह होते हैं वो जनरली एच रिफाइनमेंट प्रीफर करते हैं क्योंकि इसमें कैलकुलेशन ईजी होती है एस कंपेयर टू दिस क्वार शेप फंक्शन ओके नाउ द थर्ड वन इज डेरिवेशन ऑफ एलिमेंट स्टिफनेस मैट्रिक्स तो सबसे पहले हमने क्या किया डिस्क्रिटाइज कर दिया एक एक एलिमेंट को और हमने शेप फंक्शन चूज कर लिया लीनियर कोडेटिक वगैरह जो भी था और उसके बाद हमने क्या किया एक एक एलिमेंट की स्टिफनेस मैट्रिक्स को फॉर्म कर लिया जितने सारे एलिमेंट होंगे सारे एलिमेंट की स्टिफनेस मैट्रिक्स को हमें फॉर्म करना होगा उसके बाद क्या करेंगे डेरिवेशन ऑफ ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स तो सारी एलिमेंट स्टिफनेस मैट्रिक्स को मिक्स करके हम एक सिंगल ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स बनाएंगे जिसे हम ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स कहेंगे ओके okay. नाउ अब इस ग्लोबल स्टिफनेस मैट्रिक्स हमें पता है सिंगुलर होती है मतलब इसका जो डिटर्मिनेंट होता है वो जीरो होता है तो इसकी इसको नॉन सिंगुलर बनाने के लिए हम इसके अंदर क्या करेंगे बाउंड्री कंडीशन पुट करेंगे बाउंड्री कंडीशन कुछ भी हो सकती है जैसे स्ट्रक्चर के केस में कोई एक पॉइंट का आपका डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो सकता है ठीक है इस तरीके की अलग अलग आपके पास बाउंड्री कंडीशन हो सकती हैं तो ये सारी बाउंड्री कंडीशन जब इसके अंदर पुट किया जाता है तो, तो हमारी जो मेट्रिक्स हैं वो नॉन सिंगुलर हो जाती है और इजिली सॉल्व हो पाती है ओके उसके बाद हम क्या करेंगे सोल्यूशन ऑफ अनोन नोडल डिग्री ऑफ फ्रीडम तो हमारे जो नोडल डिग्री ऑफ फ्रीडम एक्स वन एक्स टू वगैरह होते हैं या फिर क्यू वन क्यू टू हम वो फाइंड आउट कर लेते हैं ठीक है और लास्ट में क्या करेंगे अगर हमारे पास जैसे स्ट्रक्चर का केस है तो उस स्ट्रक्चर का केस में जब हमने क्यू वन क्यू टू फाइंड आउट कर लिए तो हम स्ट्रेन डिस्प्लेसमेंट मेट्रिक स्ट्रेन स्ट्रेस रिलेशनशिप से

स्ट्रेस फ्रॉम नोडल डिसमेंट तो दीज आर दिन एफ ई एम तो ये सारे पॉइंट हमने अभी तक लेक्चर नंबर एटीन तक ये सारे डिस्कस किए थे और दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस मॉड्यूल सो नेक्स्ट मॉड्यूल जो हमारा फोर्थ मॉड्यूल रहेगा उसमें हम ये सारे टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं तो so, आप बने रहिएगा इस चैनल पर और इस प्ले लिस्ट को पूरा देखिएगा टू गेट द बेटर अंडरस्टैंडिंग और फिफ्थ हमारा जो मॉड्यूल होगा उसमें ये सारे टॉपिक्स डिस्कस करेंगे और सिक्सथ में ये टॉपिक डिस्कस करेंगे तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कोई आपको कमेंट्स है या फीडबैक है आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं थैंक यू एवरी